बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। आप देख रहे हैं चैनल चटपटे खाने, और आज मैं आपसे एक डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और वो रेसिपी है चिकन चीज़ी ड्रमस्टिक। आइए देखते हैं टेस्टी से चिकन चीज़ी ड्रमस्टिक कैसे बनते हैं। सात सौ ग्राम हम चिकन लेग पीसेस ले लेंगे। एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख के उसमें चार टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके सारे लेग पीसेस डाल देंगे। इन लेग पीसेस को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे, एक टी स्पून लहसुन पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद एक ग्लास पानी डाल लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। पाँच मिनट के बाद कवर हटा लेंगे। कवर हटाने के बाद एक टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। सिरका डालने के बाद इसको दोबारा 10 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे, ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब चिकन से हड्डियों को अलग-अलग कर लेंगे। हड्डियों को अलग-अलग करने के बाद चिकन को एक बाउल में डाल लेंगे। तीन अदद मीडियम साइज के आलू को लेकर उसको बॉईल करके मैश कर लेंगे। मैश किए हुए आलू को चिकन में डाल देंगे। आलू डालने के बाद एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा सब्ज धनिया काट के वो डाल देंगे। दो अदद सब्ज मिर्चों को बारीक काट के वो डाल देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हाफ टी स्पून लाल मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों के बाद एक टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सब मसालों को दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 100 ग्राम चेदर चीज और मोजरेला चीज दोनों को मिक्स करके वो डाल देंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसमें मोजरेला चीज डाल के इसको ड्रमस्टिक की शक्ल दे देंगे।
दो अदद अंडे लेके उसमें एक टीस्पून चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस डालने के बाद एक टीस्पून हम सोया सॉस डाल देंगे। अब अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे। जो ड्रमस्टिक बनाई थी उस पर हम मैदे की कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह सब ड्रमस्टिक्स पर मैदे की कोटिंग कर लेंगे। मैदे की कोटिंग करने के बाद इस ड्रमस्टिक को अंडे में डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इस पर हम ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रख के सब ड्रमस्टिक्स को एक एक करके डालते जाएंगे। ड्रमस्टिक्स को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फ्राई करने के साथ साथ इसकी साइड्स चेंज करते जाएंगे। हमारी ड्रमस्टिक्स ब्राउन हो चुकी है, अब ये तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी से चिकन चीजी ड्रमस्टिक तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे बहुत ही आसान रेसिपी से बनाया और ये बहुत ही मजे के बनते हैं। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही के फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।